रहमान रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 5 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज हमने 5.1 से लेकर 5.4 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे आधा मशक, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, और क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है हमारे पास MCQs का है। दिए हुए जवाबात में से दुरुस्त जवाब का हमने क्या करना है इंतखाब, इनमें से जो सा दुरुस्त जवाब है उसके ऊपर हमने क्या लगा देना है टिक का निशान। तो बच्चों मैंने MCQs नंबर 1 से लेकर 5, 6 तक ले लिए, और जो MCQs नंबर 1 है हमारे पास x² - 5x+6 के अज्जाए ज़र्बी हैं। तो बच्चों हमने इस ये हमारे पास कौन सी मसावात है, 2 दर्जी मसावात है, क्योंकि इसके ऊपर x की पावर कितनी है 2, तो ये कौन सी मसावात होगी, 2 दर्जी मसावात। इस 2 दर्जी मसावात के हमने क्या मालूम करने हैं, अज्जाए ज़र्बी। अज्जाए ज़र्बी का मतलब ये है, यानी हमें 2 यक दर्जी मसावातें बनानी है। तो बच्चों वो भी हमें कौन सा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, तज्जी का तरीका। जैसे हमारे पास है x² - 5x+6, हमने इसकी क्या करवानी है तज्जी। तज्जी करवा कर इसके 2 अज्जाए ज़र्बी मालूम करने हैं, यानी हमें 2 यक दर्जी मसावातें मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, तज्जी करनी है इसकी, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले क्या दवाएंगे, ज़र्ब। तो हमारे पास आ जाएगा ये 6x². हमने तज्जी के अंदर एक ऐसा जोड़ा मालूम करना होता है, एक ऐसा फैक्टर ढूंढना होता है। अगर मैं ज़र्ब करूं तो मेरे पास 6x² बने, अगर मैं इसको प्लस या माइनस करवाऊं उस जोड़े को, तो मेरे पास हासिल होना चाहिए -5x। तो वो जोड़ा मालूम करने के लिए हम इस 6 के क्या बनाएंगे, फैक्टर। इस तरह के कोई 3-4 फैक्टर बना के देख लेंगे, 1 × 6 तो आंसर आएगा हमारे पास 6, 2 × 3 तो आंसर क्या आएगा हमारे पास है 6। हमने इनमें से कोई एक ऐसा जोड़ा सेलेक्ट करना है, अगर मैं उस जोड़े को ज़र्ब करवाऊँ तो मेरे पास ये वैल्यू बने, अगर उस जोड़े को मैं प्लस या माइनस करवाऊँ तो -5x बने। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है, ज़र्ब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करने से -5x बने। तो वो जोड़ा बच्चों हमने ढूंढ लिया, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। अगर मैं इस जोड़े को करवाऊंगा ज़र्ब, 2, 3, 6 आ गया, x को x के साथ ज़र्ब करेंगे x² हो गया। अगर मैं इस जोड़े को करवाऊंगा प्लस, तो 2x + 3x तो क्या बनेगा मेरे पास, +5x, लेकिन मैंने बनाना है -5x, तो -2 के साथ भी लगा देंगे और -3 के साथ भी लगा देंगे। तो अगर मैं इस जो हमने वो ऐसा जोड़ा ढूंढ लिया, अगर मैं इस जोड़े को ज़र्ब करवाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी, अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास -5x बनेगा। तो वो जोड़ा हमने सेलेक्ट कर लिया। तो बच्चों ये मेरे पास x² - इस -5x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, -2x, -3x और ये वाला +6 इसी तरह आ गया। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है, मुश्तरिक लेना है हमने, इन दोनों में से मुश्तरिक क्या आ जाएगा मेरे पास x। तो 1x कैंसिल हो गया, 1x आ गया, x x के साथ कैंसिल, क्या बचेगा -2, वो यहाँ पर लिख देंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -3, -3 के साथ कैंसिल, क्या बचेगा x, वो यहाँ पर लिख देंगे। 3 × 3, 3 × 2 = 6, तो कितना आ गया -2। तो बच्चों एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, x -2 कॉमन ले लेंगे। तो x -2 ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा -3, वो यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों इस 2 दर्जी मसावात के हमने अज्जाए ज़र्बी मालूम करने थे, कौन से 2, ये 2 अज्जाए ज़र्बी हैं इस मसावात के, और ये हमें, यानी अज्जाए ज़र्बी का मतलब यही है, हमें दो मसावातें मालूम करनी होती हैं, वो भी कौन सी, यक दर्जी। ये देख लो, x की पावर 1 है तो ये भी यक दर्जी मसावात है, x की पावर 1 है तो ये भी यक दर्जी मसावात है।
तो अजजाए ज़र्बी का मतलब यही हो गया भी हमने दो फैक्टर ढूंढने हैं इस तरह के, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। तो ये कहाँ पर मौजूद है, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, बी जोज। तो बी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है 1। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर 2 करेंगे, हल करके देखेंगे इसे भी। तो बच्चों एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास 8x³ +27y³। इसमें 8 को मैं बना सकता हूँ 2x और ऊपर होल की पावर क्यूब। जब मैं इसका क्यूब लूँगा 2x का, तो ये मेरे पास 8x³ बनेगी। इसी तरह बच्चों मैं इसका भी क्यूब बना लूँगा, इसको 3y और ऊपर होल का क्यूब। तो बच्चों ये मेरे पास, अगर मैं इसको ओपन करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 27y³। तो बच्चों मेरे पास एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला मेरे पास है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो ये फार्मूला किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए बी। तो ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना है। तो बच्चों ये मेरे पास है 2x ऊपर होल का क्यूब प्लस 3y ऊपर होल का क्यूब। आपने 2x को ए फर्ज करना है, 3y को आपने b फर्ज करना है। तो ये a का क्यूब आ गया प्लस b का क्यूब। तो ये क्वेश्चन तो हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना है। तो ये मेरे पास a प्लस b आ गया इंटू a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर माइनस ए बी आ गया मेरे पास। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म के अंदर था, मैंने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। ए प्लस बी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये मेरे पास 2x प्लस 3y इंटू 2x का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ गया, 3y का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 9y का स्क्वायर आ गया, और ये माइनस 2 3 6xy आ गया। तो बच्चों इसके जो उनसे अज्जाए ज़र्बी ना, ये दो अज्जाए ज़र्बी हासिल हो गए हमें। हमने अब ये देखने, ये कहाँ पर मौजूद है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y हमारे पास, 2x प्लस 3y 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 6xy। तो इसका कौन सा आंसर बनेगा, सी जोज। सी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, 3x² माइनस का x माइनस 2। ये हमारे पास कौन सी मसावात आ गई, दो दर्जी मसावात आ गई, क्योंकि x के ऊपर पावर कितनी है 2। तो इस 2 दर्जी मसावात की हमने क्या बनाने हैं, अज्जाए ज़र्बी, यानी हमें दो यक दर्जी मसावातें बनानी है तज्जी के तरीके से। हम तज्जी का तरीका किस तरह करेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़र्ब करवा देंगे। तो ये बन जाएगा 3x² को -2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो -6x का स्क्वायर आ गया। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है तज्जी के अंदर, अगर ज़र्ब करूं तो मेरे पास माइनस का 6x² बने, प्लस या माइनस करवाऊं तो मेरे पास माइनस का एक्स बचे। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना होता है, इसके फैक्टर बना लेंगे। 1 ज़र्बे 6 6 आ गया, 2 ज़र्बे 3 2 3 6 आ गया। तो बच्चों इनमें से कोई एक जोड़ा हमने सेलेक्ट करना है, हमें चाहिए माइनस का एक्स। इसके साथ भी एक्स लगा दिया, इसके साथ भी एक्स लगा दिया, और माइनस लगा दिया 3 के साथ, प्लस माइनस माइनस 2 × 3 6। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x². बच्चों मैंने वो जोड़ा ढूंढ लिया, अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो मेरे पास हासिल होता है -6x², अगर 2x और -3x को मैं प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का x, क्योंकि प्लस का 2x माइनस का 3x
अगर दोनों को प्लस करवाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स। तो मुझे क्या चाहिए था, माइनस का एक्स। हमने वो जोड़ा ढूंढ लिया, अगर मैं ज़रब करूं तो ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करवाऊं तो माइनस का एक्स बने, तो वो जोड़ा हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो बच्चे ये मेरे पास 3x² इस माइनस एक्स की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 2x माइनस का 3x और ये वाला माइनस 2 इसी तरह आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है, मुश्तरिक लेना हमने। इन दोनों में से मुश्तरिक क्या आ जाएगा, मेरे पास एक्स आ गया, एक एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3x, वो यहाँ पर लिख देंगे। एक्स एक्स के साथ कैंसिल, क्या बचेगा 2, वो यहाँ पर लिख देंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस वन माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 3x आ गया, नफी नफी जमा, 2 को जब 1 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 2 आ जाएगा, एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा एक्स, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस वन, वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस दो दर्जी मसावात के हमने ये दो अज्जाए ज़रबी मलूम कर लिए, लेकिन ये दोनों अज्जाए ज़रबी असल में यक दर्जी ही दो मसावाते हैं। अगर मैं इसको ज़रब करवाऊँगा ना तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो बच्चों इसके दो जो से अज्जाए ज़रबी हमारे पास 3x प्लस 2 और x माइनस 1 है, तो ये बच्चों कहाँ पर मौजूद है, हमारे पास x माइनस 1 और 2x, x माइनस 1 2x प्लस 3। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, इस मसावात का अज्जाए ज़रबी। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये है हमारे पास MCQs नंबर 3। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। हमारे पास MCQs नंबर 4 है, a की पावर 4 माइनस 4b की पावर 4। हमने इसके भी क्या मालूम करने, अज्जाए ज़रबी। तो बच्चों ये a की 4 है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ a स्केयर ऊपर होल का स्केयर। जब मैं ज़रब करवाऊँगा, क्योंकि ये बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती हैं, ज़रब, तो ये a की पावर 4 ही हो जाएगा। माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2b और ऊपर होल का स्केयर और b का स्केयर। तो बच्चों मैं जब इस वैल्यू का स्केयर लूँगा तो मेरे पास a की 4 बन जाएगा, इसी तरह मैं 2b का स्केयर, इस वैल्यू का जब मैं स्केयर लूँगा तो मेरे पास 4b की 4 आ जाएगा। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर किसके बराबर है, a माइनस b इंटू a प्लस b। a की 2 माइनस b की 2 किसके बराबर है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो बच्चों आपने इसको a फर्ज कर लेना है और इस 2b स्केयर को आपने b फर्ज कर लेना है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर, सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है। तो बच्चों ये हमारे पास इसको हमें क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है। तो ये a माइनस b आ गया, एक माइनस का फैक्टर बना दिया और एक हमने प्लस का फैक्टर बना दिया। तो इसकी इस रकम का जो से अज्जाए ज़रबी ना, ये दो अज्जाए ज़रबी हैं इसके। तो बच्चों ये हमने इस फार्मूले के ज़रिए दो अज्जाए ज़रबी मालूम कर लिए। तो ये कहाँ पर मौजूद है, हमारे पास a का स्केयर माइनस 2b स्केयर, a का स्केयर प्लस 2b स्केयर। तो कौन सा आंसर बनेगा, b, जो b के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास MCQs नंबर 4। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास 9a का स्केयर माइनस का 12ab। तो बच्चों क्वेश्चन उसने क्या कर दिया, 9a स्केयर माइनस का 12ab कामल मरबा बनाने के लिए इसमें क्या जमा करें, इस मसावात को मुकम्मल मरबा बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या चीज़ अपनी तरफ से ऐड करूँ, वो हमने मालूम करनी है। तो बच्चों बहुत ही आसान तरीका है इसका, हम क्या करेंगे, ये 3 इसको 3a और इसका ऊपर होल का स्केयर बना लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, 12 है हमारे पास। तो इस 12 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, माइनस 2a, a मेरे पास क्या है 3a। तो यहाँ पर मेरे पास b क्या होना चाहिए था, 2, क्योंकि 2 3 6
टू बी होना चाहिए था। जब मैं थ्री दो तीन छः, छः दुनी बारह, बारह ए बी आ गया, तो मैं इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो इस वैल्यू का मुकम्मल मरबा बनाने के लिए बी का हमें स्केयर चाहिए। बी क्या हमारे पास टू बी है और ऊपर होल का स्केयर लिख देंगे। तो मैं अगर टू बी का स्केयर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मुकम्मल मरबा। तो इसका मतलब क्या, मैंने क्या ऐड करवाना है, फोर बी का स्केयर। टू का स्केयर लेंगे फोर बन गया और बी का स्केयर। अगर मैं इस मसावात के अंदर फोर बी का स्केयर जमा करवाऊँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एक मुकम्मल मरबा बन जाएगा। तो वो आंसर कौन सा है, फोर बी स्केयर। तो ये कहाँ पर मौजूद है, फोर बी स्केयर सी जोज पर। तो सी जोज के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास एम सी क्यूज नंबर सिक्स है, एम की किस कीमत के लिए, यहाँ पर एम किस कीमत के लिए मुकम्मल मरबा बनाएगा एम। तो बच्चों हमने इसके भी इसको भी इसी तरह हल करना है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस एम। तो बच्चों हमने एम की जगह पर यहाँ पर मैं क्या जमा करवाऊँ, तो मेरे पास हासिल होना चाहिए इस मसावात का मुकम्मल मरबा। तो मुकम्मल मरबा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, एक्स का स्क्वायर बना लिया और यहाँ पर आना चाहिए था टू ए। ए मेरे पास क्या है, एक्स है, ये ए एक्स है। तो यहाँ पर 4x बनाने के लिए हमें किस चीज़ की कमी है, 2 की। तो यहाँ पर 2 भी लिख देंगे साथ। तो बच्चों ये 2 दुनी 4x आ गया। अगर मैं इस वैल्यू को ज़रब करवाऊँगा तो मेरे पास 4x बनेगा। तो इस वैल्यू का मुकम्मल मरबा बनाने के लिए, क्योंकि a का स्क्वायर आ गया प्लस 2ab हो गया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, प्लस b का स्क्वायर। b क्या मेरे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर ऐड करवाना है। तो 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो कितना बनेगा, 4। इस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 4 जमा करवाऊँ इस मसावात के अंदर तो मेरे पास एक मकम्मल मरबा हासिल हो जाएगा। तो वो हमारे पास 4 कहाँ पर मौजूद है, सी जोज़ पर। सी जोज़ के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये थे हमारे पास एम सी क्यूज़ नंबर 1 से लेकर 6, और बकाया हम नेक्स्ट करेंगे अभी। इस तरह बच्चों हमारे पास एम सी क्यूज नंबर 7 और 8 है हमारा। एम सी क्यूज नंबर हमारे पास 7 और एम सी क्यूज नंबर 8 हमारे पास। एम सी क्यूज नंबर 7 हमारे पास 5x का स्क्वायर माइनस का 17xy और माइनस 12y का स्क्वायर। और इसी तरह हमारे पास 27x की पावर क्यूब माइनस 1/x की पावर क्यूब। और बच्चों इसका हमें इसका ए जोज़ दे दिया, हमारे पास x प्लस 4y इंटू 5x प्लस 3y। और उसका बी जोज हमें दे दिया x माइनस का 4y इंटू हमारे पास 5x माइनस का 3y। इसी तरह हमें सी जोज दे दिया x माइनस का 4y इंटू हमारे पास 5x प्लस का 3y। इसी तरह हमें 5x माइनस का 4y इंटू हमारे पास x प्लस का 3y। इसी तरह बच्चों हमारे पास ए जोज़ है,
एजोज के अंदर हमें उसने दे दिया 3x-1/x इंटू हमारे पास 9x² प्लस का 3+1/x² इसी तरह हमारे पास बीजोज एक्स प्लस 1/x इंटू हमारे पास 9x² प्लस का 3+1/x² इसी तरह हमारे पास सी जोज है 3x-1/x इंटू हमारे पास 9x² -3+1/x² इसी तरह डी जोज है हमारे पास 3x+1/x इंटू हमारे पास 9x² -3+1/x² तो बच्चों हमने इसके भी क्या मालूम करने हैं, अजजाए ज़रबी मालूम करने हैं। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, 5x² -17x y -12y². तो बच्चों ये हमारे पास एक दो दर्जी मसावात है लेकिन दो वेरिएबल के अंदर, एक एक्स दूसरा वाई। तो इसकी भी हमें क्या करवानी है, तजी। तजी करवाने के लिए हम पहली रकम और आखिरी रकम को पहले क्या करवाएंगे, ज़रब। 5 ज़रबे 12 करेंगे तो ये 60x² y² आ गया। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है, अगर मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास माइनस का 60x² y² बने, और प्लस या माइनस करवाऊं तो माइनस का 17x बने। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, इस 60 के फैक्टर बना लेंगे। 1 ज़रबे 60, 60 एकम 60, 2 ज़रबे 30, 30 दुनी 60, 3 ज़रबे 20, 20 तिया 60 आ गया। इनमें से कोई एक जोड़ा सेलेक्ट करना है, अगर मैं ज़रब करूं तो ये वैल्यू बन जाए, प्लस या माइनस करूं तो माइनस का 17x y बन जाए। वो जोड़ा ढूंढने के लिए हमें इसके फैक्टर बनाने होते हैं। तो इसके साथ भी एक्स वाई लगा देंगे, इसके साथ भी एक्स वाई, और माइनस लगा देंगे 20 के साथ। तो जमा नफी नफी, 3 ज़रबे 20 60 हो गया। एक्स को एक्स के साथ ज़रब करेंगे x² हो गया, वाई को वाई के साथ ज़रब करेंगे y² हो गया। अगर मैं इस जोड़े को करवाता हूँ ना ज़रब, तो मेरे पास हासिल होता है -60x² y². अगर मैं इस जोड़े को करवाता हूँ ना प्लस, तो मुझे हासिल होता है -17x y। तो बच्चे ये मेरे पास 5x² इस -17x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 3x y और माइनस का 20x y, और ये माइनस का 12y² इसी तरह आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक, मुश्तरिक लेना हमने। इन दोनों में से मुश्तरिक आ जाएगा, मेरे पास x, तो 1x कैंसिल हो गया, 5x आ गया, x x के साथ कैंसिल होके 3y आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस का 4y, तो 4 नफ़ी नफ़ी, तो जमा हो गया, 5 4 20 5 आ गया, 1y कैंसिल होके x आ गया, क्योंकि कॉमन जो सी वैल्यू इन दोनों के ऊपर तकसीम होती है। 4y को इसके ऊपर भी तकसीम करवाएं, इसके ऊपर भी करवाएं, तो जो सी वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 5 4 20 हो गया, y y के साथ कैंसिल, x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 4 3 12 3 आ गया, और 1y कैंसिल होके 1y आ गया। तो एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 5x+3y। तो ये हमारे पास ये फैक्टर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा एक्स, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस का 4y, वो यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों इसको अगर मैं इसके अजजाए ज़रबी मालूम करूँ तजी के तरीके से, तो ये आते हैं हमारे पास। तो ये कहाँ पर मौजूद है, 5x+3y, 5x+3y और x-4y, x-4y। तो ये कौन सा बनेगा हमारे पास, सी जोज। सी के ऊपर करेंगे टिक का निशान लगा देंगे। ये था बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 7। इसी तरह बच्चों करेंगे MCQs नंबर 8, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी।
हमारे पास है 27 एक्स की पावर क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स की पावर क्यूब। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 3 एक्स ऊपर होल की पावर क्यूब। इसको मैं बना सकता हूँ 1 ओवर एक्स ऊपर होल की पावर क्यूब। हमने एक फार्मूला किया था, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो बच्चों हमारे पास ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ये फार्मूला किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास ये ए का क्यूब बन गया, ये बी का क्यूब। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना है। तो ये हमारे पास आ गया ए माइनस बी आ गया, ए माइनस बी, और ये ए का स्क्वायर आ गया प्लस बी का स्क्वायर, और हमारे पास प्लस ए बी। ए हमारे पास 3x है, बी हमारे पास 1 ओवर एक्स है। तो ये हमारे पास आ गया 3x माइनस 1 ओवर एक्स इंटू, ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9x स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और x का स्क्वायर आ गया, x x के साथ कैंसिल प्लस 3 आ गया। तो बच्चे मेरे पास 3x माइनस इस रकम का, जो उनसे ये दो अजाए ज़रब भी हैं, अगर मैं ज़रब करवाऊँगा तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो 3x माइनस 1 ओवर एक्स, 3x माइनस 1 ओवर एक्स, 9x स्क्वेयर प्लस का 3, यहाँ पर भी प्लस का 3 है, 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। तो कौन सा आंसर बनेगा इसका, ए जोज। ए के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, 360 पे वीडियो देखें या 480 पे वीडियो देखें, अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनसी स्क्रीन है ना, होरिजेंटल कर लिया करें ताकि आपको पूरा ये वाइट बोर्ड नज़र आए। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़। दो में ज़रूर याद रखना।